हे दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि क्या हम लोग केवल WhatsApp का डाटा बंद कर सकते हैं कि नहीं। यानी हम चाहते हैं कि हमारे जो WhatsApp है उसमें इंटरनेट नत यूज़ हो, यानी इंटरनेट नत कनेक्ट हो, ठीक है ना। यानी हम अपने WhatsApp का डाटा बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग पे, यहाँ पर जाकर सर्च करना है ऐप, इस तरह से। ऐप सर्च करने के बाद आपको जाना है ऐप सेटिंग में, देन यहाँ पर मैनेज ऐप में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है WhatsApp। देखिए, ये जो स्टेप मैंने बताया है अलग अलग फ़ोन में अलग अलग हो सकता है, बस आपको ऐप मैनेजर वाले ऑप्शन में, यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर सर्च करना है WhatsApp। ठीक है, हमने सर्च किया WhatsApp और ये आ गया WhatsApp। यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा डाटा यूजेस, डाटा यूजेस पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए इन सभी ऑप्शनों को ऑफ कर देना है, इस तरह से। ठीक है, ऑफ करने के बाद अब आपका जो मोबाइल का डाटा है वो बंद, सॉरी, जो आपके WhatsApp का डाटा है वो बंद हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ आने का एक और तरीका है। आपको क्या करना है, WhatsApp पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन शो करेगा, उस पर क्लिक करेंगे और तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आप डाटा स्टोरेज में जाएंगे और इन सभी ऑप्शनों को ऑफ कर देंगे जो अभी मैंने ऑफ किया आपके सामने। बाद में कई सारे फ़ोन में आपको डाटा स्टोरेज के तौर पे मिलता है या फिर कनेक्शन के तौर पे ये ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी अगर आप MI का फ़ोन यूज़ करते हैं, Redmi का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनके उस फ़ोन में सेम टू सेम ऐसा ही ऑप्शन शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप भी अपने WhatsApp का डाटा बंद कर सकते हैं।